हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं शुभम। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पर। सो गाइस, मैं आया हूं एक न्यू बाइक के साथ जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, और उस बाइक का नाम है KTM Duke 250, जो थर्ड जेन है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने लिया है, परचेज़ किया न्यू। सो चलिए दिखाते हैं आपको। सो गाइस, आज डिस्कस करेंगे KTM Duke 250 थर्ड जेन का, और इसमें क्या क्या न्यू एडिट की गई है फीचर, और क्या क्या चेंजेस हुआ, सारा कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो पे। बने रहिए, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। सो गाइस, ये रही बाइक थर्ड जेन KTM Duke 250। सो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और इस पर इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके टैंक से। इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, पहले 13.5 था, बट अभी 1.5 लीटर बढ़ा दिया गया। और हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट काफ़ी चेंज की गई है पहले से, देख सकते हैं इस पे। और थर्ड जेन Duke 390 में सेम है, बट थोड़ी चेंजेस है। इस पे आपको DRL नहीं मिलेगा और उस पे मिल जाता है। और साइड आर्म की बात करते हैं चीज़ का, तो वो भी चेंज है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि चीज आपको दिख रहा होगा, ये भी फुल्ली चेंज है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो आपको मिलता था वो चीज़ नहीं है अब। और सस्पेंशन की बात करें पीछे वाला, तो वो भी चेंज है, साइड पे दिया हुआ, जो पहले बीच पे था वो अब नहीं रहा। और शॉकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। फ्रंट डिस्क में आपको 320mm का डिस्क मिलता है, और पीछे का डिस्क की बात करें तो आपको 240 मिलता है, पीछे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और फ्रंट टायर आपको वही मिलता है जो पहले आता था, 110 का सेम टायर है, 110 का। और बैक में भी वही है, 150 टायर का सेक्शन है सेम, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट अभी न्यू MRF का टायर मिलता है आपको बाइक पे, जो पहले नहीं मिलता था। पहले तो मिटलिन देता था और कुछ MRF का लो बजट वाला, बट अभी चेंजेस किया गया। और पीछे पूरा फेयरिंग भी चेंज है, पीछे का मड गार्ड भी चेंज है, टेल टाइडी अगर नहीं मिलता आपको पीछे। और टैंक पोर्शन की अगर बात करते हैं तो टैंक काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिखता है मेरे को, और काफ़ी यूनिक भी लगता है। पहले स्टार्टिंग मॉडल से जो आया और अब की मॉडल पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो गाइस, आपको इसमें 249cc का इंजन मिलता है विद 31 bhp एंड 25 Nm का टॉर्क, और 6 स्पीड गियर मिल जाता है। बाइक काफ़ी अच्छी है, और जैसे कि आपको पता होगा पहले ड्यूक में थोड़ी सीट हाइट ज़्यादा थी, बट इसमें भी कम कर दिया। इसकी सीट हाइट 800mm है, और पहले आपको 8222mm हाइट मिलता था। पीछे का लुक भी काफ़ी चेंज हो चुका है जो पहले था, ग्रैब रिल भी चेंज है और टेल टाइड भी चेंज है। कुछ भी बचा नहीं है पुराना मॉडल पे, जो जो था सारा कुछ चेंजेस कर दिया गया, पीछे से लेकर फ्रंट तक सारा कुछ चेंज है, लुक भी चेंज है, कुछ भी सीच बचा नहीं है जो ओल्ड मॉडल पे था। फुल्ली बाइक चेंज हो चुकी है। और एक चीज़ है कि इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और चलिए मीटर का बात करते हैं। मीटर पे आपको डिजिटल मीटर मिलता है विद ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, तो इसमें भी मोड दिया हुआ है। और मोड किस तरह से चेंज करते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्विच है, कट ऑफ, इंजन ऑन एंड सेल्फ स्टार्ट बटन। और यहाँ पे आपको मिलता है हैजार्ड का स्विच, और ये अप एंड डाउन का स्विच है, बैक एंड फ्रंट मोड का, जो आगे स्विच करता है उसका। तो इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है स्विच का, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये ऑन किया तो यहाँ पे मोड आते हैं, एक ट्रिप का दिखता है, एक एवरेज स्पीड, एवरेज कंसलेशन एट टाइम, बाकी ओवरऑल वही लो का दिखाता है, लो इंजन, फ्यूल इंजेक्टर, RPM, बाकी जो पहले मीटर में आता था बस वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट हाँ, LCD स्क्रीन दिया हुआ, इसके कारण मुझे अच्छा लग रहा, जो पहले अच्छा नहीं लगता था। तो अगर ये बाइक की सीट की बात करते हैं तो सीट काफ़ी कंफर्ट है और अच्छा है, जो पहले नहीं मिलता था अभी, लेकिन बहुत कंफर्ट है सीट, और अच्छा भी लग रहा है देख के, बैठने में भी मज़ा आ रहा है। सो गाइज, इस बाइक की अभी कंपनी वाला रिकमेंड करते कि 150 तक जाती है बाइक टॉप स्पीड, बट मेरे को नहीं लगता, उससे ऊपर भी जा सकती है। और एवरेज 30-35 का रिकमेंड करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जो सेकंड जेन में था वही आ रहा है। और इस बाइक की कर्व वेट आपको 162.80 kg मिल जाता है। और रही बात काफ़ी देर से वेट करने के बाद, मैं प्राइस का डिस्कस नहीं किया, तो अभी प्राइस का डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कितना है।
इसकी प्राइस ऑलमोस्ट एक शोरूम प्राइस आती है 2.39 लाख, और ऑन रोड लेना चाहेंगे रांची पे तो आपको 2.80 लाख समथिंग कुछ आएगा, जो कि काफ़ी हाई हो चुका पहले से। इस बाइक की बैकलाइट भी पूरी चेंज हो चुकी है, पूरी चेंज कर दी है बाइक, जो रेडिएटर गार्ड की भी लुक चेंज है, और जो साइलेंसर पाइप है वो भी सिंगल है, कहीं बैंड वुंड नहीं है, और इसमें हमको कैटलेटिंग कन्वर्टर भी नहीं मिलता है, और छोटा वाला जो एग्जॉस्ट मिलता था आपको पहले वही रिकमेंड कर रही है अभी कंपनी। बाकी तो आपको लुक दिख ही रहा होगा, कूलेंट बॉक्स को भी चेंज कर दिया गया है, पहले जहाँ पे था वो वहाँ पे नहीं। आपको इस बाइक में लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो LC4C है। हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट पूरी चेंज है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, पहले से तो काफ़ी बेटर है देखने। सो गाइस, इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।